सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि अब प्रैक्टिकल एग्जाम 3 शिफ्ट में हो गए। पहले प्रैक्टिकल एग्जाम 2 शिफ्ट में होते थे, मतलब 2 ग्रुप में बच्चों को बुलाया जाता था, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी कोविड आ गया, तो कोविड के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम काफ़ी मुश्किल तरीके से लिए जा रहे हैं। कहीं लॉकडाउन हो रखा है, कहीं पर काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो टीचर्स और जो एग्जामिनर है, उन्होंने डिमांड की है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जा रहे हैं उनको 3 शिफ्ट में डिवाइड किया जाए। सीबीएसई ने पहले परमिशन 2 शिफ्ट की दी थी, लेकिन अब 3 शिफ्ट में भी डिवाइड हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम। 3 शिफ्ट का मतलब कि मॉर्निंग में 9 से 11 एक शिफ्ट रहेगी, 12 से 2 एक शिफ्ट रहेगी और 2 से 4 एक शिफ्ट रहेगी। इससे क्या होगा, कम बच्चों को बुलाया जाएगा एक बार में और अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम हो पाएगा और बच्चों को सिक्योरिटी भी मिलेगी। इसलिए बच्चों की सिक्योरिटी के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 3 शिफ्ट में कराए जाए, ये डिमांड कर रही है स्कूल। सीबीएसई ने अभी तक इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है। सीबीएसई की जो कंफर्मेशन है वो भी अभी आधी अधूरी ही है। सीबीएसई 3 शिफ्ट में कराना भी चाहता है और उनका कहना है कि अगर 3 शिफ्ट में करेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्वेश्चंस लीक हो सकते हैं। मतलब एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो दूसरे फ्रेंड्स को पता लग जाएगी, जो पहला ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप को बता देगा, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा सीबीएसई का मानना है। तो अभी तक सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम की जो 3 शिफ्ट की बात है उसको कंफर्म नहीं दिया है। 2 शिफ्ट की परमिशन मिल गई है, लेकिन 3 शिफ्ट की अभी तक परमिशन नहीं मिली, लेकिन स्कूल डिमांड कर रहा है, जल्द परमिशन मिल भी सकती है। तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर ये अपडेट आप सभी के लिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम 2 शिफ्ट में होगे क्लास 12th के, और 3rd शिफ्ट की अभी बातचीत हो रही है। अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर कोई दूसरा अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, अपनी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आशा करता हूं सेफ रहो।